आगरा पुलिस ने दो चांदी कारीगरों को हिरासत में लेकर डरा धमकाकर 74,000 रुपए की अवैध वसूली की। शिकायत के बाद एसएसपी ने चौकी प्रभारी और दो सिपाहियों को किया निलंबित। आगरा के तेज तर्रार एसएसपी सुधीर कुमार सिंह की स्वच्छ कार्य प्रणाली से जहां पुलिस महकमे में रुतवा कायम है और उनके सख्त तेवर व अपराधियों पर मजबूत पकड़ से जहां चोर बदमाशों में दहशत व्याप्त है, तो वहीं आगरा पुलिस के एक दरोगा व दो सिपाहियों ने पुलिस की साफ छवि पर बट्टा लगा दिया। ऐसा ही एक मामला आगरा में सामने आया जहां एक दरोगा व दो सिपाहियों ने दो चांदी कारीगरों को पकड़कर मारपीट करने, पुलिस चौकी में अवैध तरीके से हिरासत में रखकर व एनकाउंटर की धमकी देकर 74,000 रुपए की अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले पर एसएसपी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, ये एक आज हम और डीएम साहब दोनों यहाँ एतमादौला थाना क्षेत्र में थाने में आए थे। आज यहाँ पर थाना समाधान दिवस था, उसी दौरान एक हाथरस के बिसावर गांव के और सादाबाद थाने के व्यक्ति आए और उनके द्वारा बताया गया कि वो चांदी के घुंघरू बनाने का काम करते हैं और यहाँ पर यहाँ से कच्चा माल ले जाते हैं, घुंघरू बनाने के बाद वापस करते हैं। दिनांक 7 तारीख को वो यहाँ पर आए थे और थाना फाउंड्री नगर चौकी के कुछ कर्मचारी उन्हें चौकी पर ले गए थे और उसके बाद उनके द्वारा उनसे पैसे लेकर उन्हें देर रात्रि में छोड़ा गया। मेरे द्वारा तत्काल उसका संज्ञान लिया गया। इनके बयान मेरे स्वयं के द्वारा दर्ज किए गए हैं और जो कर्मचारी और अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उसकी जांच एसपी वेस्ट को दी गई है, जो 2 दिन में जांच पूरी करके देंगे और जांच के उपरांत तथ्य सही पाए जाएंगे। संपूर्ण जांच के उपरांत उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोग सम्मिलित हैं सर इसमें? देखिए, अभी उन्होंने 2 सिपाहियों के नाम बताए हैं और एक तो कपिल और एक नेहरा सिपाही और है, दो सिपाहियों के नाम बताए हैं उन दोनों, और दरोगा जी का नाम इन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी थी जो फाउंड्री नगर चौकी इंचार्ज है, तो इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इनके द्वारा ये बताया गया जो पैसे लेने की जो कार्रवाई है वो कपिल कांस्टेबल द्वारा की गई थी। मैंने बार बार उनसे पूछा, मैंने कोई और भी था, तो उन्होंने बताया कि सर नहीं, कोई और नहीं था, कपिल सिपाही था। तो प्राइमरी जाँच इशू की गई और 2 दिन के बाद इसमें यदि आरोप मूर्त सत्य पाए जाते हैं और प्रमाणित होते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर इन्हें जेल भेजा जाए। सर, कुछ सीसीटीवी में भी मामला कैद हुआ है, ऐसा संज्ञान में हुआ है? देखिए, वो ये सारे जांच का विषय है। मैंने पहले ही कहा कि जांच का विषय है, जांच के दौरान ये सारी चीज़ें कब्जे में ली जाएंगी और उसके बाद सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद जो आउटकम आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई। प्राइवेट लोग भी कोई इसमें जुड़े हुए बताए जा रहे हैं? इनके बताया गया कि 2 लोग और थे, तो उनके जांच के दौरान उनका भी चेहरा सामने आएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन दोनों प्राइवेट लोगों को ये नहीं जानते। क्या इसमें थाने की तरफ से भी कुछ देखिए इन्होंने लगाया, उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले हम कहीं थाने पे भी नहीं आए, आज हम पहली बार उसके बाद थाने पे आए हैं। ये अपने बयान के दौरान ये बताया कि हम थाने पे पहले इससे पहले नहीं आए और किसी अधिकारी के पास भी नहीं, पहली बार हम थाने पे आए हैं और हमारी बात हमने अपनी बात रखी। थाना समाधान दिवस में इसे टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।